नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। खबर बहुत बड़ी है और खबर बीजेपी राजस्थान से है। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। आपको बता दें, इस लिस्ट में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनकी परंपरागत सीट जलवाड़ से झालरापट्टन से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं टिकट मिलने के बाद पूर्व सीएम ने आला कमान पीएम मोदी और जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक इस बार मिलकर विजय का कीर्तिमान रचेंगे। आपको बता दें, वहीं राजस्थान की सड़कों पर 41 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद विरोध जो है वो शुरू हो गया था और अभी भी जो है विरोध थमा नहीं है। आपको बता दें, इस बीच पार्टी ने शनिवार को 83 उम्मीदवारों के साथ दूसरी सूची जारी कर दी है। इस बार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को टिकट दिया है, जो पांचवी बार झालरापाटन से चुनाव लड़ेंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की सीट बदल दी गई है। उन्हें चूरू की बजाय तारानगर से टिकट दिया गया है। वे पहले भी तारानगर से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्व राज सिंह मेवाड़, जो कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उनको नाथद्वारा से टिकट दिया गया है। उनका मुकाबला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से होगा। आपको बता दें, इस बीच बीजेपी ने दूसरी सूची में 8 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इसमें सुरसागर से सूर्यकांत ब्यास, सांगानेर से अशोक लाहोटी, चित्तौड़गढ़ से चंद्र भान सिंह आक्या, सूरजगढ़ से सुभाष पुनिया और नागौर से मोहन राम चौधरी, मकराना से रूपा राम, बड़ी सादरी से ललित कुमार उस्तवाल और घाटोल से हरेंद्र निनामा शामिल है। वसुंधरा राजे गुट ने जिन 10 विधायकों को पार्टी का टिकट मिला है, उनमें से मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, छापड़ा से प्रताप सिंह सिद्धवी, संगरिया से गुरदीप सिंह शाहपिनी और निबाहेड़ा से श्रीचंद कृपलानी, नौहर से अभिषेक मटरुया, डग से कालू लाल मेघवाल, खानपुर से नरेंद्र नागर, मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया, निमकाना से प्रेम सिंह और बगरू से कैलाश चंद्र वर्मा भी शामिल हैं। वहीं जयपुर की विद्यासागर सीट पर से विधायक नरपत सिंह राजवी को अब चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। पहली सूची में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विद्यानगर से टिकट दिया। राजवी के लिए मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट दिया गया है। हालांकि इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। चंद्रभान ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपका चंद्रभान एक बार फिर आपके भरोसे खरा उतरेगा। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और परिवार का उज्ज्वल भविष्य एकमात्र मेरी जो है वो चिंता है। आपको बता दें, जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो पल जो है वो आ ही गया। राजस्थान की जो एक महारानी है राजनीति क्षेत्र की, उनको जो है बीजेपी ने अपने चुनावी मैदान में उतार दिया और उनके परंपरागत सीट से जो है उनको टिकट दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो डिक्लेयर करती है वसुंधरा राजे को भाजपा की टीम या भाजपा पार्टी। लेकिन जो है अभी भी मुख्यमंत्री चेहरा जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। कौन होगा मुख्यमंत्री, आखिर इस सवाल का जवाब अभी भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। और तमाम तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज़।